और चलिए मध्य प्रदेश को नरबर की बात करेंगे, जहां पर नरबर जनपद की ग्राम पंचायतों में मजदूरों से कार्य करवाया जा रहा है। बता दें कि जहां पर मनरेगा के कार्य मजदूरों से करवाना चाहिए, वहां पर आप तस्वीरों में देखें किस प्रकार से यही काम जेसीबी मशीन से बकायदा करवाया जा रहा है और शासन प्रशासन की तमाम योजनाओं को चूना लगवाया जा रहा है। कहीं रात के अंधेरे में गड्ढे खोदे जा रहे हैं तो कहीं दिन दहाड़े जेसीबी मशीन से ये काम करवाया जा रहा है। पुराने तालाबों को मेंटेनेंस करवाना था, जिसका प्रमाण है ग्राम पंचायत ये खुदा तेंडा नरोआ और भी कई ऐसी पंचायतें हैं जो इस कार्य में संलिप्त है, जबकि शासन की ओर से संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के इस योजना के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण कार्य ग्रामीण मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए मजदूरी देकर करवाया जाना है। लेकिन नरबर जनपद सीईओ नवल किशोर पाठक की भारी लापरवाही कहें या फिर मिलीभगत कहें, इस क्षेत्र में पदस्थ एसडीओ से लेकर इंजीनियर सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा करवाया जा रहा है। और बता दें कि ये चूक तो बिल्कुल भी हो नहीं सकती है, जबकि इस लीपापोती के संबंध में नरबर जनपद सीईओ नबिल किशोर पाठक से नरबर संवाददाता कमर खान ने जब जवाब लेना चाहा तो उन्होंने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। और बता दें कि जब हमारे संवाददाता ने सीईओ से बात करनी चाही तो उन्होंने जवाब देने से पहले इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जवाब क्या देते, इस लिपापोती पर उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया तो वो जवाब देने से बचते हुए भी नजर आए। और देखिए तस्वीरें किस प्रकार से, जो काम मजदूरों से करवाना चाहिए था वही काम मशीनरी से करवाया जा रहा है, और कहीं रात के अंधेरे में तो कहीं दिन के उजाले में ये कार्य करवाया जा रहा है। और शासन प्रशासन की जो तमाम योजना है उसको किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें ये पंचायत का था, ये देसी जी अपना जेसीबी से जो काम चल रहा है ना मजदूर, आप वजन नहीं ले रहे जेसीबीया से काम हो रहा है और मजदूर बैठे हैं बाहर के लिए जा रहे हैं काम करने के लिए, काम पंचायत में कुछ है नहीं है। मतलब जो पंचायत में अभी काम चल रहा है जी, तो वो कैसे चल रहा है? वो जेसीबीया से चल रहा है, मतलब मजदूरों से काम नहीं करा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ के मजदूरों का क्या हाल है साहब? कुछ नहीं, बाहर के लिए जा रहे हैं काम के लिए, काम नहीं है पंचायत में। कि यहाँ सरपंच और सेक्रेटरी और जो मजदूरों से काम होना था वो जेसीबी से काम चला रहे हैं। अच्छा, अभी जो रात में जेसीबी चली थी वो कहाँ पे चली थी? राजापुर। मतलब क्या काम हो रहा था? जे गड्ढे मड्ढे खुदवा रहे थे। तो आपने बयान सुना होगा कि किस प्रकार से हमारे संवाददाता ने जनपद सीईओ किशोर पाठक से जब जवाब लेना चाहा तो वो जवाब देने से बचते रहे और गोलमोल जवाब देते नजर आए। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अधिक जानकारी देंगे। कमर, जिस प्रकार से हमने देखा कि जो काम मजदूरों से करवाना चाहिए था वही काम मशीनरी से करवाया जा रहा है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर है कि कहीं दिन के उजाले में तो कहीं रात के अंधेरे में यही काम जेसीबी मशीन से करवाया जा रहा है, जब आपने जवाब मांगा तो क्या कुछ कहा सीईओ ने? कमर मनीष, जब मैंने ये सारे लीपापोती वाले निर्माण कार्यों पर जवाब, जब सीओ नरवर जनपद सीओ नवल किशोर पाठक से जवाब मांगा तो उन्होंने साफ तौर पर लीपापोती करते हुए मुझसे साफ तौर पर कहा, मैं इस बारे में आपसे कोई वर्जन नहीं दूंगा, ना ही मैं आपसे कोई चर्चा करूंगा। जी बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं किस प्रकार से जेसीबी मशीन से कार्य करवाया जा रहा है, ऐसे कितने और मामले हैं जिसमें तालाब को जो निर्माण मशीन से करवाया जा रहा है जबकि वो मजदूरों से होना चाहिए, और इस मामले पर सरपंच और सचिव रोजगार सहायक सचिव इनका क्या कहना है? इनका क्या कहना है मनीष, मैं बता दूं, ये पूरा नरवर जनपद के क्षेत्र में जितनी भी ग्राम पंचायत हैं तो यहाँ जो अपना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो भी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं पंचायत क्षेत्र में, ये जैसे कि मेहर बंधन है, खेत तालाब है, कंटू तंच है, तालाबों का जीर्णोद्वार है, तो ये सभी कार्य और भी अन्य कार्य है जो मनरेगा योजना के अंतर्गत स्थानीय ग्रामीण जो ग्राम के निवासी मजदूर है उनको मजदूरी देकर ये कार्य कराया जाना था।
लेकिन यहाँ पे लगातार ये देखा जा रहा है कि क्षेत्र की पंचायतों में अधिकतर जो है जेसीबी मशीनों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जो जागरूक ग्रामीण है अगर वो शिकायत भी करते हैं, जनपद सीओ को शिकायत करते हैं या इंजीनियर को, संबंधित इंजीनियर को शिकायत करते हैं, तो इनके द्वारा उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन कमल, यहाँ पर सवाल यह है कि जो जिला पंचायत सीईओ होते हैं, क्या उनको इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है? क्या जिला कलेक्टर को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है? अगर है तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? कमल, नहीं, जिला पंचायत सीईओ जब से जिला शिवपुरी में आए हुए हैं, उनके द्वारा आज तक नरवर क्षेत्र में मेरा अंदाजे किसी भी ऐसे कोई काफी घोटाले हैं, काफी लीपअप होती है, लेकिन उनके द्वारा आज तक कोई ठोस कार्रवाई संबंधितों के खिलाफ बिल्कुल नहीं की गई है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए कमर आपका बहुत शुक्रिया। तो देखा किस प्रकार से नरवर में जो काम मनरेगा योजना का मजदूरों द्वारा करवाया जाना चाहिए था, वही काम जेसीबी मशीनों से करवाया जा रहा है। शासन प्रशासन की जो तमाम योजना है उसको किस प्रकार से पलीता लगाया जा रहा है। और जब हमारे संवाददाता कमर ने इस पूरे मसले को लेकर जनपद सीईओ से बात भी करनी चाहिए, तो वो गोल बोल जवाब देते हुए नजर आए। धन्यवाद।